नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई वैकेंसी 2019 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको वीडियो फेक ना लगे इसलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 15 नवंबर को जारी किया गया है और यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल मिल जाएंगी, साथ में मैक्सिमम एज लिमिट मिल जाएगी और सैलरी के साथ आपको सारी जानकारी दी गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग केवल 10वीं या 12वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए आपके सीधे बैंक अकाउंट में पर मंथ भेजी जाएगी और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो सीधी भर्ती के आधार पर होगा, बिना किसी परीक्षा के केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीधी भर्ती है, पूरे भारत से महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया भर्ती आ चुकी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देख लेते हैं। आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहां पर आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे दे दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके nokarikhabar.com के इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं 21 नवंबर 2019 का बड़ा अपडेट है। यहां पे सीबीएसई वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉरम आ चुके हैं 2019 के लिए। बाकी आपको बता दें, वैकेंसी डिटेल के अंदर आपको टोटल 357 यानी कि 357 पोस्टें मिलेंगी और यहां पे आप लोग 15 नवंबर 2019 से लेकर 16 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट यहां पे 16 दिसंबर 2019 रखी गई है। एडमिट कार्ड जब भी आएंगे आपके इंटरव्यू के लिए आपको nokarikhabar.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो 16 दिसंबर 2019 से काउंट करी जाएगी। यहाँ पे मिनिमम यानी कम से कम 18 साल और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए वो 40 साल और जो एनालिसिस सीनियर असिस्टेंट और अकाउंट्स के लिए वो 30 साल तक और स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंट्स के लिए 27 यानी कि 27 साल तक और इसके अलावा आपको उम्र में छूट मिलेगी। एसटीएससी के लिए पूरे 5 साल की और ओबीसी के लिए पूरे 3 साल की छूट भी रखी गई है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ग्रुप ए में 1500 रुपये और ग्रुप बीसी के लिए यहाँ पे 800 रुपये रखा गया है। बाकी जो एससी एसटी पीएच और महिलाएं हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और जो रेगुलर सर्विस हैं, एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी डिटेल के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी एनालिसिस और जूनियर ट्रांसलेटर स्टोनो और भी बहुत सारी पोस्टें रखी गई हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो ग्रुप ए में आवेदन करने वालों को 15,600 से लेकर 39,100 रुपये और ग्रुप बी के लोगों के लिए यहाँ पे 9,300 से लेकर 34,800 रुपये और ग्रुप सी वालों के लिए 5,200 से लेकर 20,200 रुपये लेवल 2 के अंदर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अलग अलग पोस्टों के लिए मांगा गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आप लोग आवेदन करेंगे सारी चीज़ें आपको बताई गई, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपके पास है। जैसे आप लोग आवेदन करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे केवल और केवल क्लास 12 पास मांगा गया है और यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपका जो सिलेक्शन है केवल और केवल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। अगर आप लोग चाहते कि मैं ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।